आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसा चिकन टिक्का मसाला, वो भी घर पे। जितना ही मुश्किल इसका नाम है उतना ही बनाना इसको आसान है। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू माय अप्सरा किचन। इसे बनाने के लिए आपको बोनलेस पीसेस लेने हैं। इसे अच्छे से धोने के लिए आप नींबू नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा। इसके पीसेस ना ज्यादा बड़े हों ना ही ज्यादा छोटे। तो सबसे पहले हम इसे 1 घंटे के लिए कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और क्रश किया हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, और 1 चम्मच यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 4 चम्मच योगर्ट डालें या फिर छनी हुई दही डाल सकते हैं। हम ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये सारे पीसेस में अच्छे से लग जाएं। ये सारे मसालों को 1 घंटे में ये अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। मिक्स हो गया है, हम इसे 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। इसके बाद आप इसे फिर से मिक्स कर लें जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा क्योंकि हमने इसमें नींबू और नमक डाला था। अब हम इसे ग्रिल करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तेल लेना है, फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस ग्रिल करना है। तो 2 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, मीडियम फ्लेम करके इसमें हम पीसेस डालेंगे। इसको तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ा रुक के पलटे नहीं तो ये मैशी सा हो जाएगा। ये वाली साइड अच्छे से ग्रिल हो चुकी है तो हम इसका साइड चेंज कर लेते हैं। हम इसे पलट लेंगे थोड़ा सा। आप इसे थोड़ा थोड़ा ही करके डालें, एक साथ बिल्कुल ना डालें नहीं तो ये अच्छे से ग्रिल नहीं होगा। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अलग से प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया। आप इसका तेल चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये काला हो चुका है। आप इस दूसरे तेल में बनाएं इसलिए थोड़ा सा ही तेल यूज़ करें जिससे कि आपका तेल वेस्ट ना हो। यहाँ तेल को चेंज कर लिया है, आप इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज लिया था। 100 ग्राम चिकन के लिए ये 3 प्याज परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों को साथ में हल्का लाल करेंगे। जब ये अच्छे से लाल हो जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। इसे भी अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर से तेल अच्छे से दिखने ना लग जाए और टमाटर हमारा अच्छे से पक ना जाए। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं तो चलिए हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक को डालेंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करके आप इसे पका लें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। मसालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धनिया पाउडर का पकना, तो आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएं। अच्छे से पक जाने के बाद आप इसमें चिकन के पीसेस डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें सारे मसालों के साथ। 2 मिनट के लिए मसालों के साथ आप इसे अच्छे से पका लें। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे जिससे कि मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब, ग्रेवी भी हमारी काफ़ी अच्छी बनके तैयार हो। तो आप इसे ढक के पका लें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो बस 5 मिनट बाद बनके तैयार हो जाएगा आपका चिकन टिक्का मसाला। पीसेस में अच्छे से मसाले अब्सॉर्ब हो गए हैं, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनके तैयार हुई है। अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ऊपर से डालेंगे यहाँ पे फ्रेश क्रीम, ऊपर से हरी धनिया डाल के आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें नान या फिर सिंपल रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है ये। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।